हेलो सी यू ईटीएस फ्रेंड्स। तो यार काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट इससे परेशान थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही थी, फॉर्म फिल नहीं किया था। तो ड्यू टू रिसीव द लार्ज नंबर ऑफ अप्लीकेशन फ्रॉम द अप्लीकेंट्स, एनटीए सक्सेसफुली एक्सटेंड द डेट ऑफ द सी यू ईटी अप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 18 जून जो थी सी यू ईटी के पीजी की लास्ट डेट थी अप्लीकेशन फॉर्म की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 4 जुलाई 2022 शाम को 5 बजे तक। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये एनटीए की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस रिलीज कर दिया गया है सी यू ई टी पीजी के रिगार्डिंग। सो जिन भी लोगों ने अप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है 4 जुलाई शाम को 5 बजे तक अपना अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यार इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो इसके लिए लाइक का बटन तो दबा दो, सब्सक्राइब का भी दबा दो, बिकॉज ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट वगैरह मैं लाता रहता हूँ रिगार्डिंग द वेरी गुड कोर्सेस। ठीक है, तो ये तो बनता ही है। ओके, फिर हम बात करते हैं करेक्शन की। तो यार करेक्शन विंडो जो है वो 5 जुलाई से ओपन होगा और 6 जुलाई तक। और यार एक्सटेंड का मेन रीज़न एक ये भी है कि अभी बहुत ज़्यादा दंगे चल रहे हैं ड्यू टू अग्निपथ क्रांति योजना। ओके, सो इसके कारण बहुत सारा ट्रेनें वगैरह एंड अदर सारा का सारा इशू रुका हुआ है। एंड जो करेक्शन के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट भी आया है एनटीए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है प्रॉब्लम कर दिए या फिर कोई कोर्स ऐड नहीं किया है या फिर कोर्स घटाना है। ओके, सो एनटीए का क्या करना है इसके लिए देख सकते हो। एनटीए ने कहा है कि जिन भी स्टूडेंट को करेक्शन करना है तो चार्ज में भी अप्लीकेबल, ठीक है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सेल बी एक्सेप्टेड एंड सबमिशन ऑफ एडिशनल फीस, ओके, डिपेंडिंग ऑन द चेंज मेड इन द फॉर्म। यानी कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई यूनिवर्सिटी ऐड कर दिया, कोई यूनिवर्सिटी घटाना है, कोई आपको कोर्स चेंज करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ओके, हाँ, लेकिन हाँ ये है कि आप अपना चेंज कर सकते हो। एंड स्पेशली जो आपको अगर कोई एग्जाम की सिटी चेंज करनी है तो इसके लिए आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा, बिकॉज ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू चल रहा है अभी, लेकिन अभी वो थोड़ा बाद का इश्यू है, बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम है आपके जो है एटलीस्ट 8 तारीख तक तो करेक्शन विंडो रहेगा, यानी कि 6 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, तो जस्ट चिल मारो यार। एंड इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंजीनियरिंग वाला प्रोवाइड द बेस्ट इंजीनियरिंग काउंसलिंग सर्विसेज इन इंडिया इन द सी यू ई टी इन लास्ट 3 ईयर्स एंड दिस रिसीव्ड 99% सक्सेस रिजल्ट। ओके, सो जस्ट आप वो भी ले सकते हो जिसके अंदर फुल ट्राई किया जाता है कि आपका 100% एडमिशन हो जाए इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, और आपका यार ड्रीम कॉलेज कौन सा है मुझे कमेंट में बताना। और ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर उसके ऊपर जस्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एनटीए का जो नोटिस है वो मैं आपको डाल दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका लिंक, तो आप भी पढ़ लेना उसको। क्या लिखा गया है बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज बीइंग डन कीपिंग इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट received for the same accordingly the extend या revised last date of submission of online application form and making correction just like including center cities examination in the particular of the online application form shall be as follows। okay, so just जो है 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आपका correction window रहेगा, 5 जुलाई 11:50 तक आप जो है अपना payment कर सकते हो। जिन भी student ने अपने form में कोई mistake कर दी है तो उनको जो है करेक्शन का मौका दिया जाएगा 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक। अगर आप कोई नई यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हो देन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ये एनटीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। यानी कि बेसिकली उनका ये कहना है कि आप अपने फॉर्म में चेंज तो कर सकते हो लेकिन आपको उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए आप। और भी आपको क्या क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और हमारा गाइडेंस प्रोग्राम या फिर 100% सक्सेस प्रोग्राम या फिर गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम भी ले सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।